येलो फंगस, ये ब्लैक फंगस व्हाइट फंगस तो सुना था, बट ये येलो फंगस क्या है? अगर ब्लैक फंगस के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ गया होगा, इस वीडियो के बाद जरूर देखना उसको। ब्लैक फंगस की पूरी जानकारी ले लेना, सब कुछ बताया है इस वीडियो में। मैं येलो फंगस के बारे में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो वीडियो देखते रहने के लिए। WHO ने कहा है कि येलो फंगस ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से भी डेंजरस है। येलो फंगस का एक केस आ चुका है इंडिया में, गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, और जो 9000 लोग हैं वो ब्लैक फंगस का शिकार बन चुके हैं। फंगल इन्फेक्शन को म्यूकोरमाइसोसिस और म्यूकोमाइसिटिस कहते हैं। अगर हमने एक भी फंगल इन्फेक्शन को इनहेल कर लिया तो आपके लंग्स, चेस्ट और ब्रेन पर अफेक्ट करेगा। इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो लोग डायबिटीज या फिर जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो हाई रिस्क पर है, साथ ही साथ कोरोना पेशेंट्स भी। अगर सिम्टम्स की बात करें तो वेट लॉस, लेजीनेस, कम भूख लगना या भूख ना लगना, पस निकलना वाउंड में से, सुनकेन आइज, मतलब जब लोग बूढ़े हो जाते हैं उनकी आंखों के पास व्रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, और डार्क सर्कल्स और व्रिंकल्स को हम सुनकेन आइज कहते हैं, ऑर्गन फेल, यही है कुछ सिम्टम्स। प्रिकॉशंस जो सबसे मेन चीज़ है, डर्टी एरिया, अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन रखिए, ह्यूमिडिटी कम से कम, बिकॉज ह्यूमिडिटी में ही फंगस जनरेट होते हैं। बासी खाना ना खाएं। ट्रीटमेंट्स की बात करें तो एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, जो कि एंटीफंगल ड्रग है, इसे लगवा सकते हैं, जिससे कि काफ़ी हद तक ब्लैक फंगस, वाइट फंगस या फिर कोई भी फंगस बस कंट्रोल हो सके। बस यही था आज की इस वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट में बता देना, और कोई फंगस के बारे में जानना है तो भी कमेंट कर दो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट कर देना। तब तक के लिए।